सबको पता है कि 9 तारीख के दिन रात में एक पैसेंजर को, लेडी पैसेंजर को ऑटो में से ऑटो ड्राइवर ढकल दिया बोल के हकमाल में, टोटा मीडिया में भी हुआ है, मीडिया में भी कंप्लेंट भी आई है, ब्रॉडकास्ट हुआ मीडिया में। रिसेंट ये हुआ 9 तारीख के दिन, एक लक्ष्मी अपर्णा बोल के एक मैरिड वुमन जो दरगाह में रही थी, विजयनगरम गांव जाने के लिए स्टेशन से रेलवे स्टेशन चले गई, ट्रेन का टिकट भी ली उन रात के 9:30 बजे, ट्रेन बिल्कुल फुल था तो वापस आ गई उन्हें, और ट्रेन वैसे ही लगा लेके बस में बैठ के और दरगाह जाने का था तो मेहंदीपट्टी में उतरते सिकंदराबाद से, या तकरीबन 10:45 या 10:30 या 11:15 को बस उतर गई है। उतर के दरगाह जाने के लिए रेगुलर जो जाते रहती थी एक शेयरिंग ऑटो चढ़ी, या तो जब बैठते ही ऑटो में एक ऑटो ड्राइवर था, एक को ड्राइवर भी था, दो थे और दो तीन लेडीज भी चले, दो लेडीज ऑलरेडी थे, वो लोग क्या बात कर लिए, लेडी को नहीं मालूम लक्ष्मी को, 120 रुपये ये लोग बोले तो 90 रुपये दे दूँ, बल्कि उन्होंने बोले तो दोनों में ठीक है बोल के जल्दी तो बिठाई दी है, रात के 11 बजे का टाइम था तो ऑटो वाले दोनों बिठा लिए, बिठा लेके ड्राइवर टोरी फ्लाई ओवर से पहले दो पैसेंजर्स पहले उतर गए, उन लोग इन्हों फ्लाई ओवर चढ़े बाद पैसे में फिर दो, एक सामने था पीछे था, इसका नाम मुश्ताक है, इन्हें को पायलट था, ये बेग है, इन्हें ऑटो ड्राइवर था, दोनों के पास लाइसेंस नहीं है, तो उधर के 120 रुपये बोल के फिर डिमांड शुरू करा था, दोनों में बहस हो गई, नहीं बोल के बोली, हाँ बोल के बोली, उन्हें थोड़ा मिसबिहेव टाइप करा पैसे के लिए, तो इन्हें तम्बाकू भी खाता था, इन्हें मिसबिहेव करे तो नहीं दी, रनिंग में से ऑटो में से वो लक्ष्मी को ढकल दिया, रोड पे गिर गई, गिर के उन्हें पूरा ब्लीडिंग हो गया, तो ऐसे गिर गई, गिर तो बेहोश टाइप हो गए मेन रोड के ऊपर, तो उतने में एक 5 मिनट से तो कोई अटेंड भी नहीं करे उस रोड पे, रोड के बिल्कुल बाजू प्लेयर के ऊपर, तो कोई अपने एक रिपोर्ट के साथ उनको रिलेटिव मोटे पे देखे, इमीडिएट एक ऑटो लेके प्रीमियर हॉस्पिटल शिफ्ट करे, शिफ्ट करके वही रिपोर्टर साहब इंस्पेक्टर गोलकोंडा को फोन करके ऐसा वाक्य हुआ बोल के इन्फॉर्म करे, इमीडिएट इंस्पेक्टर गोलकोंडा टीम के साथ आके जब तक उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए थे, इंस्पेक्टर हॉस्पिटल जाके उनके एग्जामिन करे बच्चे का, वो लेडी का ट्रीटमेंट भी कराए, ट्रीटमेंट करा के बच्ची का बयान लेके 307 और 324 केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू करे, तो फुटेज भी ट्राई करे, कौन सा ऑटो है कोई भी नहीं देखे, ऑटो तो चले गया, ये क्लू था कि ये ऑटो में पायलट था, को पायलट था, दो थे, तो पूरा एग्जामिन करके फिर औरत को फिर डिस्चार्ज होने के बाद निकले स्पॉट को लाए, उन्हें बताई कहाँ ऑटो चढ़ी, कहाँ गिरा है पूरा बता दिया हमको, उसके बाद फिर पूरा छानबीन करे, सीसीटीवी फुटेज चेक करे, तो बीच में चढ़ी बस उतरते ही रेत बाजार में ऑटो चढ़ गई, तो फुटेज में बर्फ क्लियर नहीं आया वीडियो में, ठीक है बोल के वैसे एग्जामिन करके तकरीबन हम 300 ऑटो ऑटोस को रिटेन करके एग्जामिन करे, इसमें एक टीम बनाए इंस्पेक्टर गोलकोंडा और पूरा डिवीजन का टीम बनाया, हुमायूं नगर आसिफ नगर गोलकोंडा क्राइम का टीम इसमें इन्वेस्टिगेशन में करके 300 साढ़े 300 ऑटोस को एग्जामिन करके ऑटो ड्राइवर्स को निकाले जो को पायलट बैठते हैं और बीच में तो तंबाकू खाते हैं वैसे ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करके 25-30 ऑटो ड्राइवर्स को निकाल के एग्जाम करे, तो ऐसा क्लू मिला एक जो ऑफेंस करके अब करता उन्हें छुपा बोली इन्फॉर्मेशन मिला हमको, जाकर रेड के घर पर चिंतल में रेड करके मुसाफ बोल के इसके पास लाइसेंस नहीं है, को पायलट था जो औरत को नीचे ढकल दिया रनिंग ऑटो में से, और एक ब्रेक बोल के उन ऑटो चला रहा था, किराए का ऑटो था ये, ढकल दिए ने बोले क्या वो खिड़की में था, उन्हें 120 रुपये बोले हम दरगाह तक, नहीं डी बोली तो उधर बोलते नहीं, उन्हें खुद ही बोल के इनका वर्षन है, वर्षन ठीक सही है औरत का, तो उसको ढकल दिया रनिंग ऑटो में से, तो पूरा डैमेज हुआ राइट आई को, इंस्पेक्टर गोलकोंडा साहब ट्रीटमेंट जो कराया, फिर बाद में कल इंस्पेक्टर मनोहर साहब गोलकोंडा, एडिशनल इंस्पेक्टर गोलकोंडा आनंद साहब और क्राइम टीम और SI और क्राइम टीम पूरे पूरे टीम क्राइम टीम डिवीजन का क्राइम टीम मिलकर इनको पकड़ के लाए, अरेस्ट कर सब इनको रिमांड कर रहे, हम ये पैसेंजर से जनरल पैसेंजर ये भी रिक्वेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा लोग औरत लोगों से कि शेयरिंग ऑटो में नहीं चढ़ना, शेयरिंग ऑटो में नहीं बैठना, सिंगल बैठना, हम ये भी पाबंदी करने वाले हैं कि ऑटोज में म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाना, बराबर डिस्प्ले होना और लाइट होना ऑटोज के अंदर, लाइट बल्ब भी नहीं लगाते रातों में, वो भी लगाने के हम कर रहे सब, वो ड्राइवर को बैठने नहीं दे रहे, हर एक ड्राइवर के पास उसका प्रॉपर ड्रेस होना, उसका नेम होना और लाइसेंस होना, वो भी हम चालू कर दिए ये इंसिडेंट के बाद से, हम ट्रैफिक वाले मिल के इंश्योर करेंगे सब, ये ट्रैफिक रेगुलेशन का भी ध्यान देंगे और ऐसे ड्राइवर्स को भी डिटेन करके उनके ऊपर एक्शन लेके वैसे ऑटो ड्राइवर से निकाल देंगे, वो तो कुछ एक्शन भी हो गया, इसके पास ना लाइसेंस रहता ना इंश्योरेंस रहता, डैमेज पूरा पैसेंजर्स को होता, उस तरह से वो एंगल में भी देखे हम पैसेंजर्स के लिए, बराबर जो भी ऑटो ड्राइवर्स रहेंगे उनके पास प्रॉपर लाइसेंस रहना और इंश्योरेंस रहना, वो
उसका रेगुलेशन के लिए हम स्टेप्स लेंगे, सब देने वाले हैं। अब जो ये केस को हम बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, केस में हमारे क्राइम टीम जो मेहनत करके पकड़ लिए, गोलकोंडा इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर मुनावरा और आनंद, और क्राइम टीम कोटेश और आसिम नगर क्राइम टीम, उनको डीसी साहब के पास कमिश्नर प्रोड्यूस करके उनको रिवार्ड भी दिलाएंगे सब इंकरेज करने के।